वेलकम टू जिला टॉप, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आज हम आ गए हैं पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि भारत का इतिहास है। तो देखिए आज हम यहां पाटलिपुत्रा के अगम कुआं क्षेत्र में आए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको दिखाता हूं यहां ये जो है ये मंदिर आप देख रहे हैं पीछे माता शीतला देवी का, ये बहुत बड़ा कैंपस है। इसी कैंपस में ये है अगम कुआं, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये। इसके बारे में जितना जानकारी आपको देंगे आपको बताएंगे हम कि इसके बारे में क्या क्या है, क्या क्या इसके बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं जो आपको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। १८९० में लॉरेंस वेडल द्वारा इस जगह का खोज किया गया था। अगम कुआं भारत के पटना में एक प्राचीन कुआं और पुरातात्विक स्थल है। मौर्य सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट इस कुएं को खुदवाया था। कुएं का व्यास 15 फीट से अधिक है। यह ऊपरी आधे हिस्से में 44 फीट की गहराई तक ईंट से घिरा हुआ है, जबकि इसके निचले हिस्से 61 फीट लकड़ी के छल्ले की एक श्रृंखला द्वारा सुरक्षित है। इसमें 8 धनुषाकार खिड़कियां हैं। सम्राट अशोक अपने विरोधियों को मारकर इसी कुएं में फेंक दिया करते थे। और राज सिंहासन के उत्तराधिकार की जंग में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके लाशें इसी कुएं में फेंक दी थी। एक प्रचलित कहानी के अनुसार इस कुएं से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कुम्हरार है, यहाँ सम्राट अशोक का किला था। इसके अंदर से एक सुरंग कुएं तक आती थी और सुरंग के जरिए अशोक का सारा खजाना कुएं के भीतर बने एक खास तहखाने में रखा जाता था। ये जानकर हैरानी होगी कि बाढ़ हो या सूखा कुएं का जलस्तर बराबर रहता है। इस कुएं की गहराई को मापने का असफल प्रयास अभी तक 3 बार किया जा चुका है। सबसे पहली बार ब्रिटिश शासकों द्वारा 1932 में, दूसरी बार 1962 में, तीसरी बार पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी द्वारा 1995 में। पटना जंक्शन से इस जगह अगम कुआं का जगह का दूरी 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर। तो दोस्तों बस इतना ही जानकारी है मेरे पास। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। आपके आसपास कुछ ऐसी ही धरोहर है तो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम अपने चैनल पर उसे ला सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।